फ्रेंड्स, इस प्रोडक्ट को देखते ही आपको एक जिंगल याद आ जाता है और शायद आपने उसे गुनगुनाना शुरू भी कर दिया होगा। विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। इस वीडियो में हम विको कंपनी के बारे में बात करेंगे कि कैसे वो एक समय में इतना फेमस ब्रांड होने के बावजूद भी आज इसकी पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई है। ऐसे क्या क्या कारण थे जिसके वजह से विको कंपनी की और उसके प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी कम हो गई, और कंपनी ने इसे सुधारने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं ताकि ये फिर से एक लीडिंग ब्रांड बन सके। 1952 में केशव पेंडारकर ने विको कंपनी की स्थापना की। उससे पहले वो नागपुर में लोकल किराना शॉप चलाते थे। जैसे हर इंसान की बड़ी बड़ी एम्बिशन होती है, ठीक उसी तरह केशव पेंडारकर की भी बड़ी बड़ी एम्बिशंस थी, और उस एम्बिशन को पूरा करने के लिए वो अपने परिवार के साथ मुंबई चले आए और वहाँ उन्होंने एक छोटे से गोडाउन से अपने बिजनेस की शुरुआत की, जहाँ वो सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए केमिकल फ्री दांत साफ करने की पाउडर बनाया करते थे। उन्होंने इस प्रोडक्ट को इसीलिए चूज़ किया क्योंकि टूथ पाउडर हर घर में हर एज ग्रुप के लोग यूज़ करते हैं, और क्योंकि ये केमिकल फ्री था इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने की काफ़ी चांसेस थे। इसलिए केशव पेंडारकर ने केमिकल फ्री टूथ पाउडर सबसे पहले बनाया। केशव और उनके बेटे घर घर जाकर अपना प्रोडक्ट बेचते थे क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा मीडियम नहीं था अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। और बहुत ही जल्द 18 जड़ी बूटियों से बना विको टूथ पाउडर काफ़ी फेमस हो गया और कस्टमर के बहुत अच्छे पॉजिटिव फीडबैक्स आने लगे। 1952 में जब केशव पेंडारकर अपने कंपनी के भविष्य के बारे में सोच रहे थे, तो उन्होंने ये देखा कि ट्रेंड जो है चेंज हो रहा है, लोग टूथ पाउडर की जगह टूथपेस्ट का यूज़ कर रहे थे। इसलिए केशव पेंडारकर ने अपने बेटे गजानन पेंडारकर को रिक्वेस्ट किया, जो कि फार्मासिस्ट थे, कि वो एक टूथपेस्ट बनाए जो कि केमिकल फ्री हो। और गजानन पेंडारकर ने एक केमिकल फ्री टूथपेस्ट बनाया। केशव पेंडारकर ये नहीं चाहते थे कि उनके प्रोडक्ट में किसी भी तरीके का कोई केमिकल यूज़ हो, जैसे कि बाकी टूथपेस्ट में फ्लोराइड का यूज़ किया जाता है, जो कि अगर जिसे हम गिल लेते हैं तो हमारे स्वास्थ्य को उससे नुकसान पहुंचता है। इसलिए केशव पेंडारकर ये चाहते थे कि उनका प्रोडक्ट 100% केमिकल फ्री हो, और ठीक विको टूथ पाउडर की तरह ही विको टूथपेस्ट भी काफ़ी पॉपुलर हो गया और उसके भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज आने लगे। 1971 में केशव पेंडारकर की मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके बेटे गजानन पेंडारकर ने कंपनी को आगे बढ़ाया। उस समय कंपनी का टर्नओवर 1 लाख था और वो गजानन पेंडारकर ही थे जिन्होंने विको, जो कि एक छोटा ब्रांड था, उससे वहाँ से विको को एक इंडिया का सबसे पॉपुलर ब्रांड बनाया। विको के स्किन प्रोडक्ट हमेशा से पीले रंग के रहे हैं, जो कि ब्रांड का रिलेशन हल्दी के साथ दिखाता है। हल्दी को हमेशा से स्किन के लिए अच्छा माना जाता है, उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है, इसलिए उन्होंने अपने स्किन प्रोडक्ट का कलर येलोइश रखा था। उस समय इंडिया में बहुत सारे लोकल और इंटरनेशनल ब्रांड्स मार्केट में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय विको ने अपनी पैर जमाने के लिए मार्केट में विको टर्मरिक क्रीम लॉन्च किया। विको टर्मरिक क्रीम उन यंगस्टर में ज़्यादा फेमस हो गई जो कि मुहासों से पीड़ित थे। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा समय वेट नहीं करना चाहते थे ट्रीटमेंट के लिए, तो उन्हें विको टर्मरिक एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन लगता था, और विको की पॉपुलैरिटी काफ़ी तेज़ी से इन यंगस्टर में बढ़ी थी। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि विको का प्रोडक्ट मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि ये हल्दी और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना था, और दूसरी तरफ इसका रंग पीला होने की वजह से कस्टमर के मन में ये डर था कि इसका यूज़ करने से उसका स्किन कहीं पीला तो नहीं हो जाएगा। और इस चीज़ से निपटने के लिए विको के सेल्समैन अपने साथ हमेशा एक मिरर लेकर घूमते थे और अपने कस्टमर के चेहरे पर वो क्रीम लगाकर उन्हें दिखाते थे कि क्रीम लगाने के बाद कैसा रिजल्ट आ रहा है। और इसका यूज़ करके उन्होंने कस्टमर के मन से ये डर निकाला कि विको को लगाने की वजह से उनका स्किन पीला नहीं होगा, और बहुत ही जल्द विको टर्मरिक क्रीम इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड बन गई, जो कि महिलाओं और यंगस्टर में बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। कंपनी अपने पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचने के लिए टीवी का यूज़ किया। उस समय टेलीविज़न पर सिर्फ दूरदर्शन चैनल ही उपलब्ध था। गजानन पेंडारकर ने अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए एक नया तरीका ढूंढा। उन्होंने टीवी शो ये जो जिंदगी है के प्रोड्यूसर से बात की, जिसके बाद शो के दौरान बीच बीच में विको के ऐड को चलाया जाता था। यह एक टेलीविज़न शो को स्पॉन्सर करने वाली इंडिया का पहला ब्रांड था जिन्होंने किसी टेलीविज़न शो को स्पॉन्सर किया था ताकि उनके जिंगल को बार बार टीवी पर दिखाया जा सके।
और ये स्ट्रैटेजी काफ़ी सक्सेसफुल हुई थी। और उस समय लोग जब भी विको के प्रोडक्ट को देखते थे तो उनके माइंड में हमेशा ये जिंगल याद आ जाती थी। विको ने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए दूसरा तरीका जो ढूंढा था वो ये था कि उस समय लोग फिल्म देखने के लिए वीडियो टेप खरीदा करते थे, तो विको ने ये किया कि अपने ऐड को उन टेप में डलवा दिया। तो लोग जब भी वीडियो टेप खरीद कर लेकर जाते थे अपने घर में मूवी देखने के लिए, तो वहाँ पर भी वो विको के ऐड को देखते थे। बहुत सारे इंडियन ऐसे थे जो कि दूसरे कंट्रीज़ में रहते थे, वो भी इंडिया से टेप खरीद कर वहाँ लेकर जाते थे, जिसकी वजह से इंडिया के साथ साथ बाकी दूसरे कंट्रीज़ में भी विको की ब्रांड की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ी थी और काफ़ी लोग इसके बारे में अवेयर हो गए थे। विको अपने हर ऐड में इस बात पे काफ़ी फोकस करते थे कि इस प्रोडक्ट में हल्दी है, जिसके वजह से इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है। हल्दी जो है स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जिसके वजह से इस क्रीम की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा थी लोगों में और इसका काफ़ी यूज़ किया जाता था। 1952 से लेकर 1990 तक विको की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन 1990 के बाद ब्रांड की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम होने लगी। इसके पीछे का रीज़न ये था कि विको के जो टारगेट ऑडियंस थी वुमेन, वो चेंज हो रही थी। वो अब ज़्यादा पहले से ज़्यादा इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायबल थी। वो सिर्फ अब एक ही ओकेजन को सेलिब्रेट नहीं करते थे, मल्टीपल ओकेजन को सेलिब्रेट करते थे। और विको हमेशा से अपने क्रीम को इस तरीके से प्रमोट करती थी कि वो मैरिज जैसे ओकेजन पे यूज़ किया जाता था, लेकिन अब महिलाएं मैरिज के अलावा भी बहुत सारे ऐसे ओकेजन होते हैं जिनको वो सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन विको इस चीज़ को समझ नहीं पाई, और वहीं दूसरी तरफ उनके कॉम्पिटिटर फेयर एंड लवली ने इस चीज़ को समझा और उन्होंने अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से पोजिशन किया, जिसकी वजह से विको का मार्केट शेयर काफ़ी कम होता गया और फेयर एंड लवली ने काफ़ी अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन किया। विको ने अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग को भी सेम रखा जैसे पहले थी, वही आज तक सेम पैकेजिंग यूज़ कर रहे थे। उनके ब्रांड का जिंगल भी सेम था और वो अभी भी इसी चीज़ पे ज़्यादा इम्फेसिस दे रहे थे कि इस प्रोडक्ट को मैरिज जैसे ओकेजन पे ही यूज़ किया जाता है। और इसे हम एक परफेक्ट एग्जांपल बोल सकते हैं मार्केटिंग मायोपिया का। इसका ये मतलब होता है कि ब्रांड को मार्केट में क्या चल रहा है इसका कुछ पता ही नहीं होता है, और वो उन्हें ये लगता है कि वो जो चीज़ कर रहे वही सही है। मार्केटिंग मायोपिया को समझने के लिए आप नोकिया का भी एग्जांपल ले सकते हैं। नोकिया जो कि इतना पॉपुलर ब्रांड था और आज के समय में उसका हार्डली कोई स्मार्टफोन देखेंगे, तो इसका रीज़न यही था कि उन्होंने मार्केट में क्या चल रहा है इसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम कितना पॉपुलर हो रही है। उन्हें ये लगता था कि वो जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या फिर जो भी उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है वही सबसे अच्छा है, और यही रीज़न था कि आज नोकिया का मार्केट शेयर जो है बिल्कुल भी ख़त्म हो गया है और आप कोई भी उनका स्मार्टफोन मार्केट में नहीं देखते। हालांकि विको ने नोकिया इतनी देरी नहीं की है, उन्होंने अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे कि स्किन मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, ऑयल बेस्ड लोशन, और साथ में उन्होंने इस बात पर भी काफ़ी जोर दिया है कि इसके आयुर्वेदिक बेनिफिट को भी प्रमोट किया जा सके। अभी विको अपने ब्रांड को यूथ ब्रांड बना रही है, यूथ ब्रांड जैसा दिखा रही है, और इसके लिए उन्होंने आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। और आप इस ऐड में देख सकते हैं कि आलिया भट्ट विको वज्रदंती का ऐड कर रही है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।